कृपया ध्यान दीजिए, इस पावन धरती पे जो भी दर्शनार्थी पधारे हुए हैं, मेला प्रशासन हार्दिक स्वागत करते हैं। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र में मंथन किया, तब अमृत की उत्पत्ति हुई। अमृत के छींटे चार स्थानों में गिरे। अमृत के गिरने में ग्रह नक्षत्रों का योग उत्पन्न होता है, उस योग को कुंभ कहते हैं। कुंभ मेला तो यहाँ पे 55 स्क्वायर किलोमीटर में लगा हुआ है। 60 दिन का मेला है। इसमें 8 से 10 करोड़ जनता आती है, स्नान करती है, सब जय गंगा माई। इस कुंभ मेले में 1,35,000 भोले भटके क्रॉस कर गया है, अभी चल ही रहा है। क्या था, माँ बाप की डेथ हो गई है। फिर हमने पूछा खाना पीना कैसे चलता था, उसने कहा किसी भी दुकान सामने से हाथ फैलाओ, 1 रुपए करके सब है, 400 रुपए हम लोग डेली कमा लेते थे। देखो आपने इधर आश्रा इतने आपको बैठने देते हैं। 2 साल होने वाला है पंचमी, उस दिन मिला है इतना बड़ा 0.5 किलो का बच्चा था। मुझे माँ कहेगा हम कोई भाषा जब नहीं जानेंगे तो हमारा दाढ़ी उखाड़ता है। देखिए ना, दाढ़ी यहाँ तक थे उखाड़ दी। हम आज संन्यास लिए हैं, फिर भी महात्मा भी नहीं बन पाए तो क्या है। हमने पढ़ी है कार्ल मार्क्स, मार्क ट्वेन, शेक्सपियर, हमने वो पढ़ी ही कहाँ अपने वाले ग्रंथ, वो तो किसी ने बताया नहीं हमें पढ़ने को। बहुत पी रही है, जितने आए सब पीने वाले ही आए हैं। जब मन नहीं रुकता तो चरस पीता है, जब मन नहीं कंट्रोल किया तो काहे के साधु। आपको तो लोग पैंट शर्ट बाबा के बुलाते हैं। आप साधु लोगों के बीच में तो जीवन तो साधु जैसा ही होगा ना, कर्म से साधु है ना कि वेशभूषा से। सात्री पुल के नीचे 2 मिलिट्री वाले पकड़ लिए उसको, बच्चे को लेकर कजनी कहाँ चले, पूरा मेला छान डाले, कहीं बच्चों को पता नहीं।